त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के कुछ गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। दोस्तों, हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर है भुजा AC के और भुजा AT कोण BAC का समद्विभाजक है। और हमें सिद्ध करना है कि बिंदु T भुजा BC का मध्य बिंदु है, या फिर कह लें कि भुजा BT बराबर होगी भुजा CT के। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी कोण B और कोण C बराबर होंगे। और प्रश्न के अनुसार AT कोण BAC का समद्विभाजक है, इसलिए यह दोनों कोण बराबर होंगे। अब त्रिभुज BAT और CAT को देखिए। कोण B और कोण C बराबर हैं। कोण B को हम TBA और कोण C को हम TCA भी लिख सकते हैं। और हमें दिया है भुजा AB और भुजा AC बराबर हैं। कोण BAT और कोण CAT बराबर हैं, इसलिए यह दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम हैं। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए भुजा BT और भुजा CT बराबर होंगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि बिंदु T भुजा BC का मध्य बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में त्रिभुज SPT एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा SP और ST बराबर हैं और कोण T का माप 50 अंश है, तो कोण P और कोण S का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें दिया है कि त्रिभुज SPT एक समद्विबाहु त्रिभुज है और भुजा SP बराबर है भुजा ST के, इसलिए कोण P और कोण T बराबर होंगे, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें कोण T का माप 50 अंश दिया है, इसलिए कोण P भी 50 अंश होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें कोण P और कोण T का माप हमें ज्ञात है, यहाँ उनका मान रखकर हम कोण S का माप निकाल सकते हैं, हमें यह 80 अंश मिला। आगे बढ़ते हुए हम एक और प्रश्न हल करते हैं। दोस्तों, आकृति को देखिए। दर्शाइए कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ समद्विबाहु त्रिभुज हैं और कोण OAB और कोण OBA में संबंध बताइए। आकृति को देखिए, बिंदु O वृत्त का केंद्र है, इसलिए यह सभी OA, OB, OP और OQ इस वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए यह सभी बराबर होंगी। अब त्रिभुज AOB को देखिए, इसमें भुजा OA और OB बराबर हैं, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण OAB और कोण OBA भी बराबर होंगे। इसी प्रकार हम त्रिभुज POQ को भी समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर इसे आप खुद ही सिद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज के गुणधर्म से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।